आज हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को. पहला सवाल है, हाउ मेनी 1/3 कप सर्विंग्स आर इन 6 कप्स ऑफ जूस. तो इसमें पूछ रहे हैं कि 1/3 कप के हिसाब से अगर हम 6 कप्स ऑफ जूसेस को कप्स में डालते जाएं तो वो कितने 1/3 कप्स बनेंगे. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 कप्स को, यानी 6 को डिवाइड करेंगे कितने कप्स में, 1/3 में. तो हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 1/3. तो अब डिवीजन को सॉल्व करना है, किस तरह से करेंगे. डिवीजन से पहले वाला नंबर एज इट इज लिख लेंगे, डिवीजन के निशान को हम मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे, और 1/3 को क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जगह तब्दील करके लिखेंगे. तो ये बन जाएगा 3/1. इसको हम लिख सकते हैं 6 × 3, क्योंकि सारे होल नंबर्स के डिनोमिनेटर में 1 होता है, और जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको नहीं लिखा जाता. तो ये बन गया 6 × 3. तो 6 × 3 ये बन जाएगा 18. इसका मतलब अगर हर कप में मैं 1/3 जूस डालती जाऊं तो टोटल कितने कप्स बनेंगे, 18 कप्स बनेंगे. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर विल बी 18 कप्स ऑफ जूस. अगला सवाल है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू सेल 4 बॉक्सेस ऑफ गेम्स इफ ईच डे दे सोल्ड 2/3 ऑफ अ बॉक्स. 4 बॉक्सेस हैं गेम्स के, उसमें से शॉप वाले 2/3 बॉक्सेस रोज़ाना सेल करते हैं, बेच देते हैं. तो वो कह रहे हैं कि कितने दिनों में 4 बॉक्सेस ख़त्म हो जाएंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हर दिन सेल होते हैं वो है 2/3. तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2/3 के साथ. तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 को एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन तब्दील होगा मल्टीप्लिकेशन में, और 2/3 को लिखेंगे 3/2, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह तब्दील हो जाएंगे. अब यहाँ पे 4 और 2, 2 के टेबल में 4 आता है, इसलिए इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल करके हल करते हैं. 2 के टेबल पे जाएंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4. तो ये आ जाएगा 2 × 3/1. अब डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हम नहीं लिखते, तो ये बन जाएगा 2 × 3, जो कि किसकी इक्वल होगा, 2 × 3 = 6 आ जाएगा. इसका मतलब उनको 6 डेज लगेंगे 4 बॉक्सेस ऑफ गेम्स को सेल करने में. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इट वुड टेक 6 डेज टू सेल 4 बॉक्सेस ऑफ गेम्स. 4 बॉक्सेस ऑफ गेम्स को सेल करने में 6 दिन लगेंगे. एक और सवाल है, अ ग्लास ऑफ वाटर वॉज 5/4 ऑफ अ लीटर. एक पानी के, एक ग्लास के अंदर जितना पानी था वो कितना था, 5/4 ऑफ अ लीटर, एक लीटर का 5/4 हिस्सा था. हाउ मेनी ग्लासेस वुड इट टेक टू फिल अप अ 3-लीटर जग. एक 3-लीटर जग को अगर भरना है तो उसमें इस तरह के कितने ग्लासेस चाहिए. तो इसको हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 5/4 के साथ, 5/4. तो इसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या करना है, पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करेंगे, 3 × 4/5. इसके बाद क्या करेंगे, 3 होल नंबर है, ये न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 = 12 आ जाएगा,
और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5. तो इसका मतलब क्या हुआ, 12/5 हमारा आंसर है. लेकिन हम इसको चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हम इसको चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. किस तरह से करेंगे, 12 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 10 आ जाएगा और 2 बच जाएगा. तो इसको हम उल्टे वी की मेथड से याद रखते हैं कि इसको कैसे लिखना है. अब यहाँ से लिखना शुरू करें. सबसे पहले 2 लिखते हैं, 2 होल, फिर उसके बाद ये वाला 2, 2/5. तो कितने ग्लासेस चाहिए होंगे, 2 होल 2/5 ग्लासेस चाहिए होंगे. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 and 2/5 ग्लासेस आर रिक्वायर्ड टू फिल द जग. जो 3 लीटर वाला जग है उसको फिल करने के लिए हमें इतने ग्लासेस चाहिए. तो आज हमने सीखा वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में.